सपना चौधरी है जो हाल ही में कांग्रेस में करने प्रचार के लिए आगे आई है कि कांग्रेस का प्रचार करेंगी, तो किस तरह से देखते हैं जी हरियाणा? अब कांग्रेस में अब ठुमके लगाने वाले जो हैं वही ठुमके लगाएंगे, ये तो उन्हीं को देखना है कि ठुमके लगाने हैं कि चुनाव लड़ना है। सांसद साहब, कुछ विकास के कार्य कुछ नए कुछ आपने सोचा हो करनाल के लिए, क्या कुछ कोई आज तक कोई फैक्ट्री की कोई घोषणा, रोजगार के लिए कोई करनाल में कोई चीज नहीं खुल पाई, तो उसको लेकर इसके बारे में मैं फिर नेक्स्ट टाइम आऊंगा। अभी तो मेरी कंसंट्रेशन हॉस्पिटल की तरफ ही ज्यादा, तो नेक्स्ट टाइम आऊंगा तो मैं आपसे बैठ के डिटेल में बताऊंगा। तो अगली बार सर ये मान सकते हैं कि अश्विनी चोपड़ा ही करनाल से चुनाव लड़ेंगे एमपी के? क्यों नहीं, अगर मुझे टिकट मिलेगी तो मैं क्यों नहीं लड़ूंगा, जीतेंगे सर पूरा और जीतूंगा 100% जीतूंगा। आज मैं अचानक ही आया हूँ, बिल्कुल बताया नहीं था किसी को, अचानक ही पहुंचा यहाँ। सर सिर्फ एक कमी यहाँ पर आ रही है कि एक तो न्यूरो और हार्ट के यहाँ पर डॉक्टर नहीं है और दवाइयाँ यहाँ पर कम होती है, और डॉक्टर्स का सर कहीं पर ये देखने को मिलता है एमरजेंसी वार्ड में जो पेशेंट आता है ना, जिसको मामूली चोटें भी होती हैं, उसको करनाल शहर के दूसरे जो बड़े हॉस्पिटल हैं 650 करोड़ की लागत से हॉस्पिटल बना है, वो 5 या 6 करोड़ के हॉस्पिटल लागत से बने हुए उनमें रेफर कर दिया जाता है, तो कहीं ना कहीं इसमें कमीशन का बात सामने आती है, तो ये किस चीज़ में आप कब तक कुछ कर पाएंगे? तो देखो मैं फिर से दोबारा, मैंने पिछली बार भी जब आया था, दो बार आया था, तो हेल्थ मिनिस्टर को अपने मिन साहब को मैंने चिट्ठियाँ लिखी थी, उन्होंने कहा था मैं सारी दिखता हूँ करता हूँ, अब आपने जो बात बताई है इसको भी उठाऊंगा, बाकी और कुछ बातें हैं, मैंने यहाँ पर काफ़ी मरीजों से भी मुलाकात करी है जो बैठे इधर थे, तो उनका भी कहना था कि जी हमें डॉक्टर ठीक ढंग से पूछ लें, क्योंकि मैं बता के तो नहीं आया था, इस बार अचानक आया था,